मेरे प्यारे भाई और बहनों आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम जैसा कि कल मैंने आपसे कहा कल रात जब मैं सोया तो मैंने एक सपना देखा सपने में मैंने देखा कि मैं एक जिज्ञासु हूं जिसे सुख की तलाश है सुख केवल अपने अपने लिए नहीं बल्कि मानवता के लिए क्या हम सब सुखी नहीं हो सकते अगर सुखी होने का कोई राज है तो मैं उसे खोज के ही रहूंगा और उसे दूसरों के साथ बांटूंगा फिर अगले दिन मैं सुख की तलाश में चल पड़ा मैं कई पहाड़ों से कई नगरों और शहरों से गुजरा कई लोगों से मिला लोगों के पास प्रश्न थे कुछ ही लोग थे जिनके पास उत्तर थे मेरे साथ थी मेरे गुरुदेव की शिक्षा जिसकी प्रेरणा से मैं अपनी तलाश लिए आगे चलता रहा चलते चलते एक दिन संध्या के समय मैं एक आश्रम में पहुंचा आश्रम शहर के शोर से दूर एक छोटी सी पहाड़ी पर था मुझे ऐसा लगा कि यहाँ कोई महात्मा है जो मेरे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं आश्रम की वाइब्रेशंस बहुत पवित्र थी मैं आश्रम के द्वार पर पहुँचा और दरवाजे पर दस्तक दी अंदर से आवाज़ आई तुम्हें क्या चाहिए मैंने कहा स्वामी जी मैं बहुत भटका हूं क्योंकि मुझे एक ही बात की तलाश है और वो है सुख वो है खुशी तब द्वार खुला और मेरे सामने सफेद चोगे में एक लंबा सा आदमी खड़ा था जिसकी चमकती आंखों में दया थी उन्होंने मुस्कराकर कहा अंदर आ जाओ अंदर आ जाओ मैंने उनके चरणों में बैठकर पूछा स्वामी जी सुख कहाँ है संसार के सारे लोग सुख की तलाश में हैं पर वे उसे पा नहीं सकते इस पर संत ने कहा मैं तुम्हें दो फल देता हूं उनमें से तुम एक को चुन लो अगर तुमने पहला फल चुना तो तुम जानोगे और समझोगे कि सुख क्या है लेकिन अगर तुमने दूसरा फल चुना तो तुम सुख के सागर में डुबकी लगाओगे पर समझ नहीं सकोगे कि सुख क्या है लो इन दो फलों में से कोई एक चुन लो मैंने थोड़ा सोचा और फिर कहा मुझे दूसरा वाला फल चाहिए संत ने कहा तुमने सही फल चुना क्योंकि सुख को समझना पर उसे नहीं पाना ही दुख है टू एंटर द रेलम ऑफ happiness इज टू राइज अब अंडरस्टैंडिंग अर्थात सुख को वही पा सकता है जो मन और वाणी से परे है जो इंसान वास्तव में सुखी होता है वह सुख को समझने की कोशिश नहीं करता वह अपने मुंह से कुछ बोलता नहीं मैं समझ गया कि जो पहला फल था वो उन पर छाइयों की तरह था जिनके पीछे मनुष्य आजीवन भागता रहता है सच्चा सुख तो मनुष्य का अंतरिक गुण है इट इज स्टेट ऑफ द माइंड यह तो मन की अवस्था है अगर आपके मन में शांति है तो आप सुखी हैं। अगर आपका मन शांत है पर आपके पास और कुछ नहीं है तो भी आप सुखी हो सकते हैं दूसरी ओर आपके पास संसार के सारे सुख हैं पर आपके पास मन की शांति नहीं है तो आप कभी सुखी नहीं हो सकते मेरे प्यारे भाई और बहनों उस दिन मैं समझ गया कि बाह्य बातों से सुख नहीं मिलता हैप्पीनेस इज एसेंशियली एन इनर क्वालिटी आगे संत ने कहा अफसोस इस बात का है कि हम सुख को सारे संसार में खोजते रहते हैं हम चाहे जीवन की अंतिम सांस तक सुख को संसार भर में ढूंढते रहे पर हम उसे पा नहीं सकेंगे हम सुख को खरीद नहीं सकते हमें कोई भी सुख को एक थाली में परोस कर नहीं दे सकता सुख तो हमारी पर्सनल भावना है और ये हमें अपने भीतर से ही मिल सकता है मैंने पूछा स्वामी जी इसका अर्थ यह है कि हम में से कई लोग कभी सुख नहीं पा सकेंगे क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो अपने भीतर झांकते हैं संत ने मुस्करा कर कहा वास्तव में हम सुख पा सकते हैं चाहे हम जो भी हैं चाहे हमारे हालात कैसे भी हों सुख हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है तुम्हें कोई दूसरा इंसान खुशी या सुख नहीं दे सकता अगर तुम अपने सुख के लिए दूसरे पर निर्भर करते हो या दूसरे से सुख देने की आशा करते हो तो इससे दोनों को ही तकलीफ होगी दूसरी ओर अगर तुम सुखी हो और तुम दूसरे को भी सुख देते हो तब तो दोनों सुखी रह सकते हैं बिना किसी शर्त या बिना किसी उम्मीद के मेरे प्यारे भाई और बहनों एक महिला जो हमेशा खुश रहती थी उसने अपने जीवन का खूब आनंद उठाया था किसी ने उनसे पूछा खुशी क्या है तुम जानती हो क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हें जीवन में कब सच्ची खुशी प्राप्त हुई थी महिला ने एक पल सोचा और कहा वेन एवर आई वॉज नॉट अनहैप्पी आई वॉज हैप्पी अर्थात मैं जब भी दुखी नहीं थी मैं खुश थी उसकी बात सुनकर पूछने वाला चक्कर में पड़ गया उसने कहा आप क्या कहना चाहती है जरा खुलकर बताएंगी इस पर उसने कहा खुशी का अर्थ है दुख का न होना इस बात से मुझे ये शब्द याद आ रहे हैं, सुख सपना दुख बुदबुदा दोनों है मेहमान उसको आदर दीजिए जो भेजे भगवान मेरे प्यारे भाई और बहनों आगे संत ने मुझसे कहा तुम क्या करते हो या क्या पाते हो इससे तुम्हें सुख नहीं मिलेगा कई लोग हैं जो कहते हैं वे आध्यात्मिक राह पर चल रहे हैं और अभ्यास कर रहे हैं उन्हें भी सुख नहीं मिलता कई लोग हैं जो मुझे कहते हैं कि वे परमात्मा की तलाश में हैं फिर भी वे खुश नहीं होते परमात्मा तो सचित आनंद है क्या यह संभव है कि हम सुखों को तलाश करें और फिर भी दुखी रहे यह सचमच उल्टी बात है पर है सच क्योंकि लोग अपना सच्चा स्वरूप भूल गए हैं संत ने आगे कहा भगवान ने हमें अपना प्रतिरूप बनाया है भगवान तो शांति का भंडार है और अगर हम उसके प्रतिरूप हैं तो क्या हम शांति के भंडार नहीं हैं? तत् तो हम असी क्या हम स्वयं ब्रह्म नहीं हैं? यही तो हमारा सच्चा स्वरूप है हम ये बात भूल जाते हैं और इसलिए दुखी होते हैं हम स्वयं को नहीं पहचानते अविद्या हमारे दुख का कारण है मेरे प्यारे भाई और बहनों एक बार मेरे एक मित्र ने मुझे एक किस्सा बताया एक बिजनेसमैन उसका बड़ा सा आरामदायक घर था सुंदर पत्नी और सुशील बच्चे थे उसकी बड़ी से एक गाड़ी थी और उसे अपनी गाड़ी से बहुत लगाव था एक बार उसने अपने पड़ोसी को मर्सिडीज बेंच चलाते हुए देखा उसने मन ही मन कहा आ क्या गाड़ी है काश मैं भी ऐसी गाड़ी खरीद सकता बस फिर क्या था वह उस गाड़ी को पाने के लिए भी बस उस गाड़ी को पाने के लिए बेचैन हो उठा उसने रात दिन एक करके लाखों रुपए जमा किए और अपने लिए मर्सिडीज कार खरीदी और बहुत खुश हुआ अब देखिए यह आदमी खुश था फिर उसे कुछ चाहिए था उसे खुशी नहीं बल्कि कार चाहिए थी उसने अपनी खुशी से ज्यादा कार को महत्व दिया और उसे पाने के लिए पूरा जोर लगाया उसे कार मिल गई वह फिर से खुश था दूसरे शब्दों में कहीं तो वो वहीं पहुंचा जहां से उन्हें शुरू किया था मेरे प्यारे भाइयों और बहनों हम सबको मर्सिडीज बेंज कार्स नहीं चाहिए लेकिन हम उस आदमी की तरह ही हैं जब तक हमें कुछ नहीं चाहिए तब तक हम खुश रहते हैं जब हमें कोई चीज़ चाहिए तो उस चीज़ को पाने की चाहत हमारी खुशी का स्थान ले लेती है उस चीज़ को पाने के लिए हमें कीमत चुकानी पड़ती है फिर जब हम वो चीज़ हासिल कर कर लेते हैं तो खुश हो जाते हैं जैसे हम पहले थे अब स्वयं से पूछो क्या मर्सिडीज कार या जो चीज आपको चाहिए वो आपको सुखी कर सकती है क्या मर्सिडीज कार या मंगला या हीरो का हार आपको सचमुच खुशी दे सकते हैं अपने आप में ये सारी चीजें सुख पैदा नहीं कर सकती आप अपने मन में इन चीजों को पाने की चाहत जगाते हैं आपके मन में एक खाली जगह पैदा होती है जब आपको चीज मिल जाती है आपकी चाहत पूरी हो जाती है मन का खाली स्थान भर जाता है और आप कहते हैं कि आप खुश हैं सुखी हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों किसी ने सच ही कहा है ही इज हैप्पी बिकॉज़ ही इज़ अर्थात जो इंसान त्रिष्णाओं से ऊपर उठ जाता है वह सुखी है इसका अर्थ यह नहीं है कि इंसान के पास वो सब कुछ है जिसकी उसे जरूरत है इसका अर्थ यह है कि वह कई चीजों के बिना भी अपना गुजारा कर सकता है उसे किसी चीज की चाहत नहीं होती जीव को तृष्णा है काए तृष्णा का कोई अंत न आए। मेरे प्यारे भाई और बहनों आगे मैंने संत से पूछा कृपया बताइए हम तृष्णाओं से ऊपर कैसे उठे संत ने कहा तुम अपने सच्चे स्वरूप को मत भूलो यदि तुम अपने सच्चे स्वरूप को भूल गए तो तुम दुखी हो जाओगे तुम्हारे जीवन में दुख और सुख की लहरें उठती रहेंगी तुम निराश और उदास हो जाओगे और आखिरकार तंग आकर तुम कहोगे अब बस बहुत हो गया अब मुझे कुछ नहीं चाहिए इसलिए अपनी सारी इच्छाओं और जरूरतों को तज दो जब तुम सब तज दोगे तो तुम्हें परमात्मा मिलेंगे और परमात्मा को पाना ही सच्चा सुख है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों अब प्रश्न यह है कि हम अपनी तृष्णाओं से ऊपर कैसे उठें हम सब कुछ कैसे तज करें और सुखी रहें इसके लिए मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहता हूं जिनसे आपको मदद मिल सकती है सबसे पहला सुझाव है इफ यू वॉन्ट टू बी हैप्पी मेक अदर्स हैप्पी अगर आप सुखी होना चाहते हैं तो दूसरों को सुखी करो गुरुदेव साधु आसवानी हमें बार बार यह शिक्षा देते थे वे कहते दो 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 अपना समय दो अपनी ऊर्जा दो अपनी मुस्कान दो जब तुम दोगे तो तुम पाओगे कहते हैं सुख कहीं से मिलता नहीं है लेकिन सुख मिलता है हमारे शुभ कर्मों से खुशी मिलती है जब हम दूसरों से प्रेम करते हैं गिव एंड यू शैल रिसीव गुरुदेव साधु वासवानी जी को दो शब्द बहुत पसंद था वे कहते थे मेरी एक जुबान है यदि मेरे पास एक लाख ज़ुबानें होती तो उनमें से एक एक जुबान से मैं यही एक शब्द कहता दो दो वे दो। कहते थे देना ही जीना है जो देते हैं वे जीते हैं और जो नहीं देते वे तो मृत लोगों की मृत लोगों के समान है मेरे प्यारे भाई और बहनों हम में से कई लोग केवल लेने से ही खुश होते हैं हम देने के लिए हमेशा तैयार नहीं रहते मुझे लगता है इस संसार में दो प्रकार के लोग हैं एक देने वाले और दूसरे लेने वाले हमें चाहिए कि हम पहले प्रकार के लोगों में शामिल रहें हम दें देते रहें थके ही नहीं हम दें पर बदले में कुछ पाने की आशा न रखें एक बार किसी ने मुझसे कहा अमुक व्यक्ति को मैंने बहुत कुछ दिया पर बदले में उसने आभार भी नहीं माना यहां मैं आपसे कहना चाहता कि आप जब किसी को कुछ देते हैं तो आप उस व्यक्ति को प्रभु का रूप मान कर दे आप जो भी दे रहे हैं प्रभु आपको दे रहे हैं जब इस भाव में देंगे तो यू विल बी अबली ब्लेस्ड हमें सुख या खुशी तब मिलती है जब हम दूसरों को सुख देते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों अब समय समाप्त हो रहा है कल जब मिलेंगे तो इस विषय पर आगे चर्चा करेंगे ओम शांति शांति शांति